हाय फ्रेंड्स, सीजी एक्सेल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। बेसिक एक्सेल के पार्ट 8 में हम देखेंगे पेज लेआउट मेन्यू के पेज सेटअप के बचे हुए पार्ट को। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसमें देखेंगे हम पेज की साइज को, प्रिंट एरिया को, ब्रेक को और बैकग्राउंड ऑप्शन को, जिसमें हम पेज के साइज को देखेंगे। देखिए, पेज लेआउट में हम मेनली जब प्रिंटिंग के दौरान जो भी सेटिंग करनी होती है उसके लिए हम पेज लेआउट के इन ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि प्रिंटिंग के दौरान सारे कैरेक्टर्स आ नहीं पाते हैं, यानी जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो भाग अलग अलग पेजेस में आते हैं। तो मैन्युअली किस प्रकार से हमें उन्हें सेट करना है ताकि वो एक पेज में एडजस्ट हो जाएं। तो पेज लेआउट में जो साइज वाला ऑप्शन है ये होता है मेनली हमारे प्रिंटर पर बेस्ड। तो जनरली हम जो यूज करते हैं वो होता है A4 साइज, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें A4 साइज दिखता है। प्रिंटर जिस प्रकार के होंगे उस पर अलग अलग पेजेस लगते हैं, तो उन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे लीगल के लिए, जैसे ऊपर के लेटर्स हैं जैसे, तो अभी हम इनको थोड़ा जूम इन करते हैं। अभी देखिए, अगर ये इसके पेजेस इस तरह के हैं तो कैसे ये ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे। अभी लीगल के पेज में थोड़ा जो हमारा ऑप्शन होता है वो लैंडस्केप हो जाता है, जैसे देखेंगे अभी, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, पोर्ट्रेट में बढ़ जाता है और लैंडस्केप में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, लेटर के ऑप्शन में क्या हुआ था, ये थोड़ा पोर्ट्रेट कम हो गया और थोड़ा इधर से ब्रॉड हो गया। ओके, अभी हम यदि एग्जीक्यूटिव वाला पेज ओपन करते हैं तो ये किस तरह से लंबाई और चौड़ाई को इधर दर्शाता है वो दिखा देगा, यानी ये थोड़ा पतला हो जाता है, पेज वर्टिकली ज़्यादा पतला हो गया है। इस तरह से ये वन बाय वन पेजेस प्रिंट होंगे। तो जनरली हम A4 यूज करते हैं। मान लीजिए कभी इनवेलप एक ही पेज में लाना है, कई बार हम मेल मर्ज के दौरान इनवेलप क्रिएट करेंगे तो हम बताएंगे, हालांकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे प्रिंट होना है। इनवेलप मोनार्क का यूज करते हैं, तो ये इनवेलप किस छोटे छोटे भाग में आ जाता है। ठीक है, इनवेलप का ये 10 सेंटीमीटर वाला यदि हम भाग लेते हैं तो ये भी कैसे आता है। तो ये होता है पेज सेटअप, यानी जिस प्रकार का आपका प्रिंटर लगा होगा उस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए होता क्या है, नॉर्मली हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं A4 में, हमें प्रिंट एरिया होता है, जैसे हमें इतने भी पेज में हमें जितना सेलेक्शन के अकॉर्डिंग प्रिंट देना है। अभी हम प्रिंट करेंगे जैसे, तो हमारे पेज में इतने सारे ऑप्शंस के साथ प्रिंट होगा ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना ही भाग प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एरिया पे जाएंगे, पेज लेआउट के प्रिंट एरिया मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। ये देखिए, ये सेलेक्टेड हुआ है यहाँ पर। अब प्रिंटिंग के दौरान ये सिर्फ इतना ही होगा, कंट्रोल F2 दबाइए प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी आपको जहाँ पर, अब इसे क्लियर कर सकते हैं सेम प्रोसेस करके, पेज लेआउट में प्रिंट एरिया में क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं। जैसे आपका डेटा यहाँ तक है और आप इतना भाग प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करिए, प्रिंट एरिया में फिट प्रिंट एरिया करिए, और प्रिंट जैसे करेंगे तो ये आपका अगला भाग इस पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट एरिया को, ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं तो ये हट जाएगा। ठीक है, पेज ब्रेक का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे हमें हॉरिजेंटली करना है या वर्टिकली, यानी कितने से हर एक पेज पे ये जाएगा प्रिंट होके, अगले पेज पे कितना भाग चला जाएगा उसके लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 9th भाग में एरो पे क्लिक करते हैं और पेज ब्रेक पे करते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन हो गई है, यानी ये पहले पेज में आएगी इतना भाग। मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं 20th में इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं, यानी ये दूसरे भाग में आ गया। अब कंट्रोल F2 दबा के हम देखते हैं तो ये पेज वन पे आया, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल ये हमारा दूसरे भाग में आया। ठीक है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं। हमने 9th में रखा हुआ था कर्सर, देखिए यहाँ पर 9th पे रखा हुआ है, 9th के ऊपर यानी 8th में, 8th तक का भाग पहले पेज में आता है, उसके बाद का भाग जो नेक्स्ट पेज में आता है, ये देखिए 8th तक आया। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ 20th के पहले तक का आया, क्योंकि 19th में हमने पेज ब्रेक किया हुआ है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। हटाने के लिए सेम पेज ब्रेक में जाएँ, रिफिट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्टिकली करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे प्रिंट के दौरान आपका कौन सा भाग एक ही पेज में आया, कौन सा अगले पेज में आए, इसके लिए जिस भाग को हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। जैसे अभी कंट्रोल F2 दबाते हैं, इतना भाग आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, ये
हमारे प्रिंटिंग का पहला भाग ये पेज में आएगा और सेकंड भाग इस पेज में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कंट्रोल F2 दबाएं, ये यहाँ से यहाँ पर आपका पहला भाग आ गया है, यानी हमने सी कॉलम पर रखा हुआ था, ये देखिए सी कॉलम पर। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं एक पेज इन पेज ब्रेक, तो ये सेकंड भाग हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम पेज ब्रेक करके अलग अलग पेजेस में कितना प्रिंट कराना चाहते हैं हम प्रिंट सेट कर सकते हैं। उसे हटाने के लिए रिसेट टू ऑल पेजेस या रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो हट जाएगा अपने आप, ठीक है। इसे भी हटा सकते हैं यहाँ से, ये। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं पेज ब्रेक का। बैकग्राउंड का उपयोग होता है कि इस एक्सेल शीट में कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना, हालांकि वो प्रिंटिंग के दौरान यूज नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करूँगी जैसे, तो पिक्चर का पाथ पूछेगा और यहाँ पर हम क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, तो ये पेज के बैकग्राउंड में आ गई है पिक्चर, पूरी शीट पर आ गई है। पर ये प्रिंट करेंगे यदि आप, तो प्रिंटिंग के दौरान ये दिखती नहीं है, देखिए कहीं भी किसी भी पेज पे दिखती नहीं है। तो इसका उपयोग ऐसे ही ग्राफिकल व्यू के लिए आप दे सकते हैं, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इसको इंसर्ट करके लाते हैं। यदि बैकग्राउंड की इस पिक्चर को हटाना चाहते हैं, सेम प्रोसेस करिए, पेज लेआउट में बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को डिलीट का करिए, तो ये हट जाएगा। प्रीवियस भाग में हमने कई सारी चीज़ें कवर की थी, उसके सारी वीडियो के लिंक प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखते रहिए। अगले वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो स्पेसिफिक रहेगा प्रिंट टाइटल। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम प्रिंट करते हैं तो ये चीज़ें जो हमारे हेड पे होती हैं ये, तो हर पेज पे नहीं आती है, वो कैसे आए। जैसे देखिए यहाँ पर ये अभी आ रहा है, अभी नेक्स्ट पेज में हमारा ये भाग नहीं आएगा, जो जोन क्लस्टर्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट में नहीं आएगा यदि हम जैसे यूज करते हैं। अभी तो हमने सेट करके रखा हुआ तो इसलिए आ रहा है। ये चीज़ें कैसी लानी है हमें हर पेजेस के टॉप पे, वो हम देखेंगे कि जैसे ये हर पेजेस पे आ रहा है तो कैसे आएगी ये देखना है हमें, क्योंकि हर पेजेस पे आते नहीं। तो ये देखते रहे हमारे वीडियो। थैंक यू।